आज हम आपको गैन ऑफ रेफरल मीटर बताने वाले हैं। श्वसन की क्रियाविधि को मापने की हमारी विधि होती है, जिसको हम गैन ऑफ रेफरल मीटर की विधि के माध्यम से हम श्वसन की क्रियाविधि का हम आईक्यू सबका ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए उपकरण ये आपको प्रैक्टिकल में भी पूछा जाता है, ये उपकरण मैंने प्रैक्टिकल वाइज भी आपको करा के दिखाया, तो इस प्रकार से हम ये बोर्ड पर आपको एक बार समझा देते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम एक कांच का उपकरण तैयार करते हैं, उस उपकरण में हम एक बल्ब होता है, उस बल्ब को बीकर की सहायता से हम जो पड़कने हम इसमें क्या रखते हैं, जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, एक काफी दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम एक रबर ट्यूब के माध्यम से कनेक्ट करते हैं, एक जो आपकी सैलिन सॉल्यूशन भर देते हैं इसमें, और इसको हम ग्रेजुएटेड ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, एक जो बल्ब से कनेक्टेड ट्यूब है उसको हम ग्रेजुएटेड ट्यूब कहते हैं, तथा दूसरी एक लेबलिंग ट्यूब होती है। ठीक, लेबलिंग ट्यूब ये भी आपका कांच का बना हुआ उपकरण होता है, और जो बल्ब होता है इस बल्ब में भी इन दोनों ट्यूबों को इन सभी का कनेक्शन, इसका दोनों ट्यूब का कनेक्शन हम रबर की कॉर्ड के माध्यम से करते हैं। ठीक, और इन दोनों उपकरणों किसके साथ आएगी, स्टैंड है, स्टैंड के माध्यम से हमने इन दोनों उपकरणों को तैयार करके साधे हुए हैं। अब क्या करते हैं, जब हम इसके उपकरण कराने के लिए इन दोनों सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, नमक का सॉल्यूशन, नमक का घोल इसमें भर देते हैं, लेवलिंग पॉइंट हम इन दोनों का समान रखते हैं। देखिए आप देख सकते हैं हमने इनमें क्या बना, सैलिन सॉल्यूशन भर दिया है। अब हम इसमें क्या करते हैं, जो ये हमारा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसमें हमने सबसे पहले आप जो कॉटन होती है, और जो कॉटन होती है तो हम गीली करके कुछ कॉटन को गीला करके इसके ढक्कन खोल कर इसमें नीचे लगाए, ग्लास का एक ढक्कन लगाए जहाँ पर एक होल होता है, और इस ढक्कन में भी एक होल होता है जिन होलों को हमें समान करना होता है। अब हम बात बताते हैं कि आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहले कॉटन को गीला करना है, और गीली हुई कपास को इसके नीचे यहाँ पर रख देना है। ठीक, उसके पश्चात आपको किसी भी चीज का, जैसे हम वेट कॉटन में किसी भी चीज का निकालना होता है आरक्यू, जैसे कि आप मान सकते हैं जर्मिनेटिंग सीड रख देते हैं, अंकुरित सीड, या फिर आप आलू के टुकड़े को पीसेस करके उसमें रख सकते हैं, या फिर आप सीड वगैरह कोई भी सीड जर्मिनेटेड रख सकते हैं, आप चने को और किसी को भी, क्योंकि इससे हमें उनका श्वसन लेवल नापना होता है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, उसके पश्चात हम इसमें जो हमारे कॉर्क लगी हुई यहाँ पे ढक्कन लगा हुआ नोजल में, वहां नोजल में उसमें वहां पर और इसमें दोनों में एक छिद्र होता है, उस छिद्र को एक दूसरे के आमने सामने फिट कर देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं तो क्योंकि जिससे करने से जो स्वतंत्र वायुमंडली वायुमंडली गैसें सकड़ा होती हैं, और वो इजीली क्या होती है, वायु इसमें प्रवेश करती रहती है, और जहां से भी जब हम सॉल्यूशन होता है, अब हम क्या करते हैं, जो लेवलिंग ट्यूब होती है इसको कुछ इसमें हम इस लेवलिंग ट्यूब को ऊपर नीचे हिलाकर इसमें आपके सॉल्यूशन को हिलाते हैं, जिससे इसका लेवलिंग पॉइंट भी जीरो की ओर टच करता रहता है। क्या करेगा, जीरो जो लेवलिंग पॉइंट है शून्य की ओर टच करता रहता है उसको, और उसके अनुसार इसकी जो हमारी ट्यूब्स हैं, ट्यूब की गैस वायुमंडल ट्यूब में भरी हुई वायु और जो सीधी ये वाली वायु है, इन दोनों का संपर्क होता है, तथा इसमें विसंजन की क्रिया से इसका अब क्या करते हैं, इसका जो लेवल का जो होल है इसको भी थोड़ा सा हिलाकर इधर उधर कर देते हैं। फिर हम इन दोनों के लेवल को इससे इस प्रकार से हम इनमें हुई श्वसन की क्रिया को माप सकते हैं कि इसमें किस प्रकार से श्वसन की क्रिया होती है। इसी के लिए क्योंकि ये जैसे जैसे श्वसन की क्रिया के अनुसार इसमें क्या होता है, हम कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, वसा, ठीक है, इन सभी मासिक पौधों में भी, हम मासिक चीजों में भी, इन सब में इन सब का क्या कर सकते हैं, हम इनका श्वसन की क्रिया को इनका आरक्यू याद कर सकते हैं। आरक्यू याद करने के लिए मैंने कुछ उदाहरण भी आपको यहाँ दिए, श्वसन पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, क्योंकि सिर्फ किसके रूप में पाए जाते हैं, सभी पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, और प्रोटीन, वसा, इन सबके रूप में होता है, जिसके दो तीन एग्जाम्पल बताए। जब क्या होता है, श्वसन पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में होता है, तब इस सॉल्यूशन में इसमें क्या करते हैं, जब इन सबके रूप में ऑक्सीजन को जितनी मात्रा में जी क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण करेंगे उसी के अनुसार उतनी मात्रा में जी CO2 को रिलीज करते हैं। तो सभी अलग अलग पदार्थों में, मतलब हम कह सकते हैं कि अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के बीजों में क्रिया कराने से या सीटों में अंकुरण की क्रिया को श्वसन ज्ञात करने के लिए भिन्न भिन्न
भिन्न प्रकार के आरक्यू प्राप्त होते हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन की लेने ग्रहण करने की एवं CO2 को त्यागने की क्षमता भी भिन्न भिन्न होगी, इसीलिए उनका आरक्यू लेवल भी भिन्न भिन्न होता है। अब हम बात करते हैं श्वसन पदार्थ कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, जिसमें हमने गेहूं का अंकुरित बीज लिया। गेहूं के अंकुरित बीज में हम ग्लूकोज की क्रिया 6O2 से कराते हैं। 6O2 से कराने पर जब हमने 6O2 के अणु लिए, ऑक्सीजन ली, तो 6 कार्बन वाली आपकी CO2 इसमें रिलीज होती है, प्लस 6H2O निकलते हैं और 673 कैलोरी किलो कैलोरीज इसमें पेश होती है। अब हम बात करते हैं कि जब हम इसका RQ निकालते हैं तो RQ का फॉर्मूला होता है RQ = वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ O2, क्योंकि O2 को लेते हैं हम, CO2 को त्यागते हैं, तो O2 के लेवल से हम CO2 को डिवाइड करेंगे, तो O2 आपका कितना था 6, तो 6 और CO2 6, तो 6/6 = आपका 1.0, तो आपका कितना आया 1, तो हम कह सकते हैं कि इसका क्या है एक इकाई ज्ञात होती है हमें इससे। लेकिन जब हम श्वसन पदार्थ फैट्स में कराते हैं, फैट वसा में होती है ये क्रिया, तो इसमें आरक्यू लेवल क्या होता है हमारा एक इकाई से भी कम आता है। तो हम देखते हैं कैसे, अरंडी के अंकुरित बीज का हमने एग्जांपल लिया यहाँ, उस बीज में इसका फॉर्मूला आपका C5051H98O6 145O2, मतलब ऑक्सीजन भी कितने हैं 145 और 102 CO2 प्लस 98H2O। इसमें आपको दिख रहा है कि CO2 कितना है 102 कम है और 145, तो मतलब उनने जो ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, सांद्रता अधिक होगी, लेकिन और जो CO2 की है वो कैसी है, ऑक्सीजन की अपेक्षा त्यागी हुई मात्रा कम होती है। तो इसका हम जब आरक्यू निकालते हैं तो 145/102 ठीक, तो कितना आता है इसमें x = 0.7 < unit, क्योंकि ये एक से इकाई से भी कम होती है, ठीक है ना। सॉरी मैंने यहाँ मिस्टेक कर दिया, क्योंकि यहाँ ऐसे थोड़ी ना, ये आपका 102 and 145 ठीक, क्योंकि यहाँ मैंने मान थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया था। यहाँ पर हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है CO2 upon O2, तो CO2 क्या है अपनी 102 और O2 है अपनी 145, सब हम जब इसका डिवाइड करेंगे तो 0.7 आता है, तो हम कह सकते हैं एक यूनिट इकाई से भी कम ज्ञात होता है। इसी प्रकार से हम श्वसन पदार्थ मांसल पौधों में, जैसे नागमणि वगैरह में भी निकाल सकते हैं, अम्लीकरण की क्रिया में भी निकालेंगे, और श्वसन पदार्थ प्रोटीन के रूप में भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से रेस्पिरेशन की पूरी विधि है, आप ये प्रयोग बताकर और साथ ही साथ उस प्रयोग में आप इस प्रकार से 2-3 फॉर्मूले देकर आप